एम्स 2009 प्रीलिम्स फिजिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए देखते हैं। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज इन द गिवन सर्किट व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है और पूछा गया है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो इस सर्किट में या इस सेल से कितनी करंट फ्लो होगी। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है उस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब कैपेसिटर के फुली चार्ज होने पर इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और सर्किट में ओनली यहां पर करंट होने वाली है इन ब्रांचेस में ये वाली, क्योंकि यहां पर कोई भी करंट नहीं होगी कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं 9 वोल्ट की यहां पर बैटरी है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक ये है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक ये है और ये दोनों सीरीज में है और जब सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन आर। अब इस सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस ये है और 1 किलो ओम रेजिस्टेंस ये है और दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 3 किलो ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 10³, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस किलो ओम में है। 3 से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 3 × 10⁻³ ऊपर जाकर के। इसको लिख सकते हैं मिली एम्पियर, यहाँ पर ये एम्पियर में है जबकि जो ऑप्शंस हैं वो मिली एम्पियर में है, तो 10⁻³ को लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 mA इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। ये देखेंगे 9 mA है, 3 mA, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। दोस्तों इस तरीके से हम नीट और एम्स की सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं और मैक्सिमम हमने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दे दिया है। थैंक यू, शुक्रिया।